यदि कोई मन्नत मांगी हुई गई हो और बाद में हम भूल जाएं तो क्या मन्नत मांगी थी, तो क्या करें? और प्रश्न दे सकते हैं। देखो, देवताओं की यदि मन्नत मानी और आप भूल गए तो हानि होगी, देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन आपने भगवान की कोई मन्नत मानी तो भगवान कभी नाराज नहीं होंगे, चाहे पूरी करो चाहे बीच में छोड़ दो, भगवान कभी बुरा नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, आपने किसी से उधार लिया, मुझको ये काम करना पैसा दे दो, तो आपको देना ही पड़ेगा। जो मन्नत ली, मैंने जो पैसा लिया वो देना पड़ेगा। लेकिन आपने कहीं अपने बाप से लिया और बाप कह दे पापा अब है नहीं, पापा कह कोई बात नहीं बेटा, तो भगवान तो हमारा बाप है, उनकी मन्नत मानी पूरी होगी, भले चाहे भूल गए ना भी दो नाराज नहीं होते। हाँ, देवता वो पराए हैं, वो हमारे सगे नहीं, देवता भगवान हमारे सगे हैं। तो देवताओं की मन्नत मानी यदि भूल गए तो हानि होगी, देवता नाराज होंगे, लेकिन मेरे ठाकुर जी कभी नाराज नहीं होते। इसलिए आप ठाकुर जी की मन्नत मानी हो कोई चिंता की बात नहीं, राम कृष्ण की मन्नत मानी हो तो कोई चिंता की बात नहीं। यदि देवी देवताओं की मन्नत मान ली और भूल गए, वो याद कराना भी जानते हैं, ऐसी तैसी करके रखेंगे जब तक उनकी मन्नत पूरी नहीं होगी। लेकिन हमारे ठाकुर जी को गाली भी दोगे तब भी चलेगा, वो नाराज नहीं होते, वो तो जब भी करेंगे भला ही करेंगे। हम सब उन्हीं की संतानें हैं, हम तो बच्चा बाप की गोद में बैठ जाए, बाप की दाढ़ी भी पकड़ के खींच ले, चाहे बाप की गोद में मलमूत्र त्याग दे, तब भी बाप नाराज नहीं होता। इसलिए भगवान की मन्नत मानी भूल गए तो कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, देवताओं की यदि मन्नत मान रखी है किसी देवी देवता की, फिर चिंता की बात है। अब आपका प्रश्न है कि अगर भूल गए मन्नत तो क्या करें, तो इसका नियम एक है क्या और भागवत प्रमाण है, वो यह है कि आप भगवान की भक्ति करो, राम कृष्ण की भक्ति करो, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे कर्ज हमारी मन्नत उसका वो भगवान पूरा करते हैं, हमारा कर्तव्य अधूरा रह गए भूल चूक, उसको भूल चूक को भगवान पूर्ण कर देते हैं। हम भगवान की भक्ति में लग गए तो देवता हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति करो, भूल चूक सब माफ। अगला प्रश्न है, क्या राधा नाम की 16 माला कर सकते हैं? 16 तुम 64 करो, यह भी कोई पूछने की बात। अगला है, जो गुरु से दूर है वे गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी की प्रसन्नता के लिए क्या करें? गुरु जी की सेवा करो, दूर से कैसे करें? तो गुरु जी ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, भजन चिंतन करो और मानसिक सेवा करो, गुरु जी के प्रणाम करो, पुष्प चढ़ाओ, तिलक लगाओ, माल्यार्पण करो, आरती करो, चरण धो के पियो, ये सब मानसिक करो या चित्रपट में पूजा करो और गुरु आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बना लो। गुरु की सबसे बड़ी यही सेवा है।